नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यानी कि आंसर के लेकर आए हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 का, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन कह रहा, देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है अधि लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें 7 क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 5 का आंसर देना है। तो एक नंबर, होसे किसे कहते हैं? कह रहा है होसे एक मुस्लिम इंडो कैरेबियन मील का पत्थर है जो त्रिनाद और टोबैको, गुयाना और जमैका में जाना जाता है। नेक्स्ट है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का नाम लिखें। उपले, उपले मतलब गोबर का गोइठा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में ना होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में या फिर कुछ निश्चित राज्यों में होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है या तो फिर वस्तु विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट है, उदारीकरण से अब क्या तात्पर्य? तो कर उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया इसमें। अब नेक्स्ट में इसमें कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 प्रश्न उत्तर देना है। एक नंबर कह रहा है, ब्रिटेन की महिला कामगार ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले की व्याख्या करें। तो कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्गीबज ने 1764 में किया था। बेरोजगारी के डर के कारण भारतीय महिला कामगारों ने जो हाथ की कताई पर निर्भर थी स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट 9 नंबर, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या मतलब व्याख्या करें? 16वीं सदी में आंसर में है 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार व्यवसाय सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आवागमन बढ़ा जो एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक बढ़ा। इससे लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। इसमें कर, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है? निम्नलिखित है, क्या क्या निम्नलिखित है? एक नंबर में कर रहा है, इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। किसके लिए? गन्ना की खेती के लिए। पॉइंट नंबर बी, वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर बीच की होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3, इसके लिए लाल मृदा और दुमट मिट्टी में उत्पादन अच्छा होता है। लाल मिट्टी और दुमट मिट्टी में गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? 12 नंबर, तो 12 नंबर यहाँ आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि राजनीतिक दलों का प्रभाव, हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 20 का है, जनता के मसले उठाकर दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थ और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अगर विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, मतलब विकास में ऋण अपना योगदान किस प्रकार देता है?
देखिए तो विकास के लिए ऋण की भूमिका क्या होती है, निम्नलिखित होती है। नंबर एक, ऋण सामान्य रूप से दो स्रोतों से उपलब्ध होता है, ये औपचारिक स्रोत या अनौपचारिक स्रोत हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 का है, कर प्रचलित स्थितियों में अधिक गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तीन प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। इसका सुझाव नंबर 1 है, क्या है कि धन या पद के लोभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं, अतः इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। मतलब जो दल बदलू लोग होते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। नेक्स्ट है, पार्टियों को कानून एवं नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी को अपना कानून और नीति को निर्धारित कर लेना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊँचे पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, मतलब ऊँचे पद के लिए निष्पक्ष चुनाव को होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फिर 17 नंबर, कर व्यापार और निवेश नीतियों को उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। अब इसका आंसर है कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी जनसंख्या में उत्पादन किया जाता है। इसका पॉइंट नंबर 2 है, कर बहुराष्ट्रीय कंपनी को इन उत्पादों की आवृत्ति की जाती है, फिर इन्हें ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दुरुस्त उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और शर्म शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट, 5 में से इसको 3 को सॉल्व करना है, 16, 17, 18 हम कर रहे हैं। अब कह रहे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल होने के निम्नलिखित कारण है, क्या कारण है। पॉइंट नंबर 1 कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, मतलब यहाँ भारत एक क्या है, गर्म जलवायु का प्रदेश है, जिसके कारण क्या है, सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ आसानी से हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 कह रहा है इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावना होती है, मतलब इसमें क्या है, सौर ऊर्जा को निर्माण करने की प्रबल संभावना होती है, मतलब अच्छा ढंग से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। और 3 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रामीण एवं दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सौर ऊर्जा का उपयोग लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।